जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग ऑपरेशंस ऑन मिक्स नंबर्स देखेंगे। ऑपरेशंस ऑन मिक्स नंबर में सबसे पहले रिमेम्बर इट, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखना होगा जिससे कि मिक्स नंबर की जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें पहला इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि 1/2 + 1/2 = 1 मीन्स इस तरह का जो भी इंफॉर्मेशन आएगा उसमें देखिएगा आप हर बराबर हो और अंश को जोड़ने पर हर के बराबर आए तो वैसे कंडीशंस में उसका मान जो होगा 1 आएगा। वैसे फ्रैक्शन का मान कितना आएगा? 1 आएगा। वैसे भिन्न का मान कितना आएगा? 1। देख लीजिए 1/2 + 1/2 इसका हर तो बराबर है ही, साथ साथ ऊपर आप जोड़िएगा ना इसको तो हर के बराबर आ जाएगा, मीन्स नीचे वाले के बराबर आ जाएगा। 1, 1, 2 देखिए हर के बराबर आ गया ना, तो ऐसी स्थिति में इसका मान जो आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगा आपको वैसे क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन और होल पार्ट से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड इन्फॉर्मेशन है इसमें 1/3 + 2/3। अब देखिए इसका भी हर बराबर है और अंश को आप अगर ऐड करते हैं तो आप देखिए 2 और 1 = 3 हर के बराबर आ रहा है, इसका भी मान कितना आया? 1 आया। फिर देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन 3 में 1/4 + 3/4 हर जो है बराबर है दोनों का और ऊपर अगर इसको आप ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो हर के बराबर आएगा 3 और 1 = 4 तो इसका भी मान कितना आया? 1। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिए 1/5 + 4/5 इन दोनों हर को जब बराबर करिएगा, हर जो बराबर है और ऊपर देखिए जोड़िएगा ना तो 4 = 1 = 5 तो जब अंश हर के बराबर हो हर बराबर हो है ना तो ऐसी स्थिति में उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दो इन्फॉर्मेशन और आपको याद रखना है। देखिए 1/2 मीन्स आधा आप +1/4 देख लीजिए यहाँ हर बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका मान 1 नहीं आएगा और ऊपर आप ऐड भी करिएगा ना तो हर के बराबर नहीं आएगा तो भी इसका मान 1 नहीं आएगा। तो देखिए अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो 2 और 4 का LCM 4 होता है और 4 में 2 से डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 1 = 2 यानी 2 + 2 = 2 आप प्लस फिर 4 में 4 से भाग दीजिएगा 1, 1 में 1 से गुणा कीजिएगा 1 तो 2 + 1 = 3 यानी ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया LCM इसका कितना? 4। तो 1/2 + 1/4 का मान जो होगा 3/4 के बराबर होगा, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, फिर देखिए 1/3 आप +1/6 ठीक है ना। अब देखिए तो 3 और 6 का LCM लीजिएगा तो 6 आएगा, 6 में 3 से भाग दीजिएगा 2, 2 = 2 आप प्लस 6 में 6 से भाग दीजिएगा 1, 1 में 1 से गुणा कीजिएगा 1 तो 2 + 1 = 3 बटा में 6 तो 3/6 को आप छोटा रूप में लिखना चाहेंगे तो 3 = 3 और 3 × 2 = 6 तो वहीं मैं 1/2 लिखा हूं। ठीक है, यानी ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर ये आपके दिमाग में रहेगा, अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो फ्रैक्शन और होल पार्ट से बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं भी आप आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं दिया हूँ रिमेम्बर इट में इसके यूज पर आधारित मैं प्रश्न लिखा हूँ टाइप 1 में। आप देख लीजिए इसमें फ्रैक्शन पार्ट भी है और होल पार्ट भी है। ठीक, ये होल पार्ट है, ये फ्रैक्शन पार्ट है। ठीक, मीन्स ये पूर्णांक है और ये भिन्न है। तो देखिए टाइप 1 में पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, देखिए 17 × 2/3 + 15 × 1/5 + 22 × 1/5 + 22 × 1/7 + 9 × 4/5 = what क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए बंधु यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले कि मैं जो ये बताया हूँ कि जिसका हर बराबर, देखिए इसमें दो तरह का है ना, फ्रैक्शन पार्ट है और होल पार्ट है। तब आपको यही ध्यान देना है कि फ्रैक्शन पार्ट को एक साथ और होल पार्ट को एक साथ हम लोग बनाएंगे, है कि नहीं? तब पहले फ्रैक्शन पार्ट वाला हम लोग काम कर लें। ठीक, तो फ्रैक्शन पार्ट में काम करेंगे आप तो एक ही आपको बात याद रखना है कि जिसका हर बराबर है उसका पेयर बना देंगे, मीन्स जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए तो किसका किसका हर बराबर है। देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट की मैं बात कर रहा हूं तो 2/3 आ यहाँ 2/3 और 1/3 इन दोनों का आप जोड़ा लगा दीजिए ना तो 2/3 और 1/3 निश्चित तौर पर देखिए 1/3 और 2/3 का मान 1 होगा। तो इसी बेस पर, इसी आधार पर मैं इसको 2/3 और 1/3 का मान यहाँ 1 मैं लिख दूंगा। ठीक है,
इन द सेम प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप में मैं एक बटा पांच और चार बटा पांच इसका भी दोनों का हर बराबर है और अंश को ऐड करने पर एक अंश को ऐड करने पर हर के बराबर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए एक बटा पांच और चार बटा पांच इसका भी हम पेयर बनाएंगे तो एक आएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, एक ही ऐसा आप देखिए ध्यान से यहां पर एक ही ऐसा बचा है फ्रैक्शन पार्ट जो अकेला है उसका पेयर नहीं बन सकता है। तो अगर आप एग्जाम में बैठे हो और उसमें नॉन ऑफ दीज नहीं है तो वैसी स्थिति में जिस ऑप्शन में 3/7 रहे वही आपका आंसर होगा। अब आगे बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं कि एकदम हम सही बनाइए के मानेंगे, ऐसा नहीं करना है कि नहीं। वहां टेक्निक अप्लाई करना है क्योंकि एक क्वेश्चन पर आपको 15 से 20 सेकंड मिलता है कि नहीं। तो यहां पर देखिए ये 3/7 जिस ऑप्शन में भी होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लोग चूंकि सीख रहे हैं तो पूरा हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए अब हम लोग होल पार्ट को एक साथ कर लेते हैं। अब फ्रैक्शन पार्ट तो एक ही बचा है 3/7, ठीक है। अब देखिए 17 प्लस 15 आ 17 32 आ 22 54 आ 10 64 64 आ 9 73 आ 1 74 आ 1 75 यानी होल पार्ट आ गया आपका 75। होल पार्ट कितना आ गया 75। अब फ्रैक्शन पार्ट एक ही बचा है 3/7 तो 75 आ प्लस 3/7 में कितना 7 इज इक्वल टू, हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि 75 + 3/4 रहे तो इसको आप डायरेक्ट क्या कितना लिख सकते हो, 75 + 3/7 रहे तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो 75.3/7 दैट मीन्स आंसर फॉर यू। देखिए सबसे पहले आप एग्जाम फॉर्मेट इसका देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 ऑपरेशन और मिक्स नंबर पर क्वेश्चन नंबर 2 मैं दिया हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दिया हूँ ना देखिएगा उसी के यूज से मैं इसको मात्र 2-4 सेकंड में बना दूंगा। देखिए ध्यान से पहले एग्जाम फॉर्मेट देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि होल पार्ट और होल पार्ट एक साथ फ्रैक्शन पार्ट एक साथ, तो सबसे पहले फ्रैक्शन पार्ट वाला काम कर लो है कि नहीं। एग्जाम फॉर्मेट देखिए, एग्जाम फॉर्मेट में ये है कि जिसका हर बराबर रहेगा उसका जोड़ा लगा देंगे हम, है कि नहीं। तो हर हर जिसका बराबर हो उसका जोड़ा लगा दीजिए, तो 3/7 और 4/7 इन दोनों का जोड़ा लगाइएगा तो देख रहे हैं कि हर 7 है इसका भी हर 7 और ऊपर भी 3 या 4 जोड़ दिएगा तो 7 आएगा, है कि नहीं। तो 7 7 1 आ जाएगा यानी इसका मान कितना आ गया 1 आया 1। अब देखिए अगला 2/5 और 3/5 इसका भी हर बराबर, तो हर बराबर हो तो इसका पेयर बना दीजिए अर्थात जोड़ा लगा दीजिए। तो जोड़ा लगा दीजिएगा आप तो कितना 2 और 3 5 ऊपर भी बराबर 5 के बराबर आ रहा है ना, तो यहाँ देखिए इसका भी मान 1। अब एग्जाम में अगर बैठे हो क्वेश्चन में नॉन ऑफ दीज ऑप्शन में ना हो तो ऐसी स्थिति में आप आंसर दे देंगे जिस ऑप्शन में 1/4 रहेगा वही आपका आंसर होगा। एग्जाम में अगर बैठे हो तब 1/4 जिस ऑप्शन में रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, बशर्ते कि उस क्वेश्चन में नॉन ऑफ दीज यानी ऑप्शन में ना हो तब, है कि नहीं। अब देखिए चूंकि यहां हम लोग सीख रहे हैं तो पूरा बढ़िया से सीखेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट का तो हम काम करिए दिए हैं, एक ही बचा है 1/4 फ्रैक्शन में तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब इसका पेयर किससे लगाइएगा, नहीं लगाइएगा ना अकेला है तो, जो अकेला है अकेला है कि नहीं। अब देखिए अब इसको हम लोग होल पार्ट को एक साथ लेंगे, ठीक है। अब देखिए 37 + 15 आ 52 आ 9 61 आ 61 आ 12 73 आ 8 81 81 = 82 आ 82 = 83 अर्थात इसका आंसर हो गया 83.1/4। देख लीजिए कितना आसानी से है ना, आसान एकदम। देखिए ऑपरेशन मिक्स नंबर पर क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको दिया, यहाँ देखिए क्या है 105.1/3 प्लस 75.1/6 प्लस 40.1/2 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। देखिए इसका देखते देखते आप जवाब दे सकते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन है ना और फ्रैक्शन और होल पार्ट से मिलकर ये बना है, इसका देखते देखते आप जवाब कैसे दे सकते हैं। देखिए अभी आपको कुछ देर पहले हम बताए हैं
कि रिमेम्बर इट में, कि इसको याद रखिएगा तो आसानी से बना सकते हैं। देखिए उसका प्रयोग कीजिए आप, देखिए एक बटा तीन या एक बटा छ का मान हम आपको बताए हैं कि एक बटा दो होता है, ठीक है, और एक बटा दो या एक बटा दो, इन दोनों का मान अगर जोड़ दीजिएगा तो हर हर बराबर है, अंश जोड़िएगा तो हर के बराबर आएगा, तो ऐसी स्थिति में भी एक इसका मान एक बटा, इसका मान एक आएगा, ठीक है। अब देखिए जब ये भी एक आ गया, अब इसमें तो कोई भी फ्रैक्शन पार्ट बचा ही नहीं, मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वह होल पार्ट में आएगा, किसमें आएगा, होल पार्ट में, ठीक है। तो होल पार्ट में देखिए क्या आएगा इसका आंसर, देखिए 105 आप 75 जोड़ दीजिएगा तो 180, 180 और 40 जोड़ दीजिएगा उसमें, 180 या 40 जोड़ दीजिएगा तो 220 और 220 आए एक 221, यानी इसका आंसर होगा 221, है ना इजी। क्वेश्चन नंबर 4 अब में हम लोग देखेंगे, इसमें देखिए एक चेंजिंग ये है कि इसमें प्लस और माइनस दोनों है ना, यानी जोड़ और घटाओ दोनों है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि नहीं। मैं बता दिया हूं कि देखो इतना चीज आप याद कर लोगे तो ऐसे प्रश्नों को यूं ही देखते देखते बना सकते हो, है कि नहीं। तो देखिए मैं उसी का प्रयोग करके देखिए इसको कितना आसानी से मैं बना सकता हूं। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए प्लस में जो है इसको देखिए, एक बटा तीन या एक बटा छ का पेयर हम उस समय बताए थे आप लोगों को कि एक बटा तीन या एक बटा छ का जोड़ा लगाइएगा तो प्लस का एक बटा दो आएगा, प्लस का एक बटा दो, अब प्लस का एक बटा दो और माइनस का एक बटा दो है वाला, तो प्लस का एक बटा दो और माइनस का एक बटा दो खत्म ना जी। अब एक ही ऑप्शन में तीन बटा चार बच गया, एग्जाम में अगर बैठे हो और ये भी प्लस में है, एग्जाम में अगर बैठे हो अगर क्वेश्चन में नन ऑफ दीज ना हो और एक ही ऑप्शन में तीन बटा चार है, बिना बनाए उसको आप आंसर कर सकते हो, है कि नहीं, मीन्स सेकेंड में इसका जवाब आप दे सकते हो, है कि नहीं। थोड़ा सा टेक्निक अप्लाई करो और निष्कर्ष पर पहुंच जाओ, ठीक। लेकिन यहाँ हम लोग सीख रहे हैं तो पूरी अच्छी तरह पूरा अच्छा तरह से इसको बनाएंगे अच्छी तरह से। देखिए अब यहाँ पर प्लस का 45 और माइनस का 47, माइनस का दो बताए हैं ऐसा फॉर्मेट, माइनस का दो और प्लस का 35, प्लस का 33 33 और प्लस का 33, 33 और 10 43 अर्थात 43, यानी कि इसका आंसर होगा 43 होल, एक ही ऑप्शन में 3/4 है तो 43 होल 3/4, दैट मींस आंसर फॉर यू। देखिए इस फॉर्मेट पर 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए एकदम सेम इसी फॉर्मेट पर आप इसको बना सकते हैं। तो समझदारी दिखाते हुए यहां पर देखिए एक बटा दो और एक बटा चार का पेयर बनाया था मैं, और वहां पर आपको बताया था कि इसको याद कर लो भाई, देखो उसकी जरूरत पड़ गई। तो एक बटा दो और एक बटा चार का मान होगा प्लस में तीन बटा में चार, ठीक है, आप प्लस में तीन बटा चार और माइनस में तीन बटा चार है, माइनस है कैंसिल, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शन पार्ट अब दुई गो ना बचा है, तो तीन बटा आठ एक बटा आठ हर बराबर है, तो क्या इसका मान एक थोड़े ना हो जाएगा। मैं क्या बोला था कि ऊपर वाला भी जोड़ने पर नीचे वाले के बराबर आना चाहिए, तो ऊपर तीन एक जोड़िएगा तो चार ना आएगा, तो चार बटा आठ का मतलब एक बटा दो, चार एकम चार चार दूनी का आठ, तो इसका भी पेयर बनाइएगा तो एक बटा दो आएगा, यानी अगर एग्जाम में बैठे हो आप एक ही ऑप्शन में एक बटा दो है तो वही आपका आंसर होगा, बशर्ते कि उसमें नन ऑफ दीज ना हो, ठीक है। ये तो एग्जाम फॉर्मेट हो गया, लेकिन यहाँ हम लोग सीख रहे हैं ना तो कंप्लीट सीख ले। यहाँ पर देखिए यहां तक एक बटा दो फ्रैक्शन पार्ट मात्र एक बचा है, एक बटा दो, अब होल पार्ट बचा है, होल पार्ट क्या है, जोड़ है, सबका साइन को ध्यान में रखते हुए, यानी जो प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो घटाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे। देखिए तो प्लस का 47 और माइनस का 37, प्लस का 10, प्लस का 10 और प्लस का 15, प्लस का 25, प्लस का 25 और प्लस का 10, प्लस का 35, प्लस का 35 प्लस का 12 जोड़ दीजिएगा तो 47 हो जाएगा, तो 47 पूर्णांक फ्रैक्शन पार्ट तो एक ही बचा है एक बटा दो, 47 पूर्णांक एक बटा दो इस प्रश्न का उत्तर हुआ। देखिए कितना आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस बेस पर मैं दिया हूं, इसमें एक चेंजिंग किया हूं मैं,
आप देख लीजिए क्वेश्चन मार्क के तरफ भी ढेर सारी संख्याएं हैं इधर, है कि नहीं। तो इसमें आपको यही ध्यान देना है, ऐसा एक बार मैं बताया था आप लोगों को कि क्वेश्चन मार्क ऑलवेज इन पॉजिटिव वैल्यू एंड एलोन इन वन साइड ऑफ, है कि नहीं। यानी कि मैं बताया था आप लोगों को कि क्वेश्चन मार्क ऐसे प्रश्नों में क्वेश्चन मार्क जब भी होगा तो वह प्लस में होगा, यानी साइन उसका प्लस होगा, अकेला रहेगा, ठीक है। तो इसको देखिए क्वेश्चन मार्क प्लस में तो है लेकिन अकेला नहीं है, तो इसको अकेला कर देंगे। तो यहाँ इतना टाइम कहाँ रहता है कि संख्याओं को इधर भेजिए लिखिए, उतना नहीं। हम लोग मेंटली क्या करें कि ये इधर की जितनी संख्याएं हैं अगर हम उधर भेज दें तो प्लस ये अकेला हो जाएगा, तो इधर से उधर जब हम भेजेंगे तो इसके साइन में परिवर्तन होगा, अर्थात तो चिन्ह जो होगा उल्टा हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अब देखिए तो ये सभी संख्याएं प्लस में है तो इसका साइन चेंज कर दो, यानी प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क इन क्वेश्चन मार्क इज ऑलवेज इन पॉजिटिव वैल्यू, है ना, पॉजिटिव वैल्यू में है भी, है कि नहीं। एंड एलोन, एलोन अकेला होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अकेला। तो यहाँ पर अकेला आप जब इन सब संख्याओं को इधर भेज दिए तो अकेला भी हो गया। अब बनाइए यहाँ सूझबूझ का परिचय देते हुए ध्यान दीजिए, एक बटा तीन या एक बटा छ, एक बटा तीन या एक बटा छ आ जाएगा आपका एक बटा दो। आ देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस का एक बटा दो आएगा, माइनस का एक बटा दो। अब देखिए माइनस का एक बटा दो, ये बढ़िया से इसको लिखे, माइनस का एक बटा दो, देखिए माइनस का एक बटा दो आ प्लस का एक बटा दो, इसका कुछ नहीं तो यहाँ साइन छुपा हुआ है, प्लस का एक बटा दो, तो माइनस का एक बटा दो प्लस का एक बटा दो जीरो, ठीक है। फिर देखिए अब अगर एग्जाम में बैठे हो एक ही मैंने एक ऑप्शन में तीन बटा चार है वही आपका आंसर होगा एग्जाम फॉर्मेट, बशर्ते कि उस क्वेश्चन में नॉन ऑफ दीज ना हो तब, ठीक है। चलिए यहाँ सीख रहे हैं हम लोग, पूरा बनाएंगे। देखिए अब देखिए माइनस का पैंतालीस और माइनस का पंद्रह, माइनस का साठ, माइनस का साठ और प्लस का पचहत्तर, माइनस का साठ प्लस का पचहत्तर प्लस का पंद्रह, प्लस का पंद्रह, प्लस का पंद्रह और प्लस का नौ, प्लस का पंद्रह और प्लस का नौ, प्लस का चौबीस, प्लस का चौबीस, मीन्स फाइनली इस प्रश्न का आंसर होगा प्लस का 24, यानी 24 पूर्णांक और फ्रैक्शन पार्ट एक बचा है 3 बटा 4, तो 24 पूर्णांक 3 बटा 4 दैट मीन्स आंसर फॉर यू। इस फॉर्मेट पर सातवां प्रश्न जो है क्या है देख लीजिए, सातवां प्रश्न है यहाँ पर 23 पूर्णांक 2 बटा 7 प्लस 25 पूर्णांक 2 बटा 5 माइनस 20 पूर्णांक 3 बटा 7 प्लस 15 पूर्णांक 3 बटा 5 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। मैं आप सभी को बताया था कि सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पेयर बना लेंगे, क्या बनाएंगे पेयर। तो देखिए इसका भी दो बटा सात है और इसका तीन बटा सात है, यानी हर बराबर है तो हर हर बराबर हो तो इसका हम लोग पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो पेयर बनाएंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हई प्लस में है आ हई माइनस में है, यानी दो बटा सात और माइनस तीन बटा सात को सॉल्व करिएगा तो माइनस का एक बटा सात आएगा, माइनस का एक बटा सात। सेकेंड स्टेप में देखिए आप, सेकेंड स्टेप में इसका इन दोनों का हर बराबर है दो बटा पांच और प्लस का तीन बटा पांच, इसका अगर आप पेयर बनाते हैं तो देखिए हर बराबर है और अंश को भी जोड़िएगा तो हर के बराबर आएगा तो इसका मान आएगा एक, ठीक है। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं अगर एक ही ऑप्शन में, लेकिन देखिए यहां पर ये माइनस में आ गया है तो माइनस में आ गया है तो फॉर्मेट बदलेगा, ठीक है। अब देखिए यहां, यहां पर अब आप जो है होल पार्ट को सॉल्व करिए तो प्लस का तेईस प्लस का पच्चीस, तेईस आ पच्चीस अड़तालीस, अड़तालीस तेईस आ पच्चीस कितना अड़तालीस, अड़तालीस और अड़तालीस में से बीस घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा अट्ठाईस, प्लस का अट्ठाईस, प्लस का अट्ठाईस आ प्लस का पंद्रह, तो अट्ठाईस आ पंद्रह कितना हो जाएगा 43, 43 हो जाएगा, 43 आ एक 44 अर्थात 44, मीन्स फाइनली इसको क्या लिखेंगे आप 44 आ यहाँ देखिए ये माइनस में है तो माइनस में है तो माइनस एक बटा में सात,
ठीक है, बहुत सुंदर। एक दिन देखिए, ध्यान दीजिए, एक दिन मैं आप लोगों को बताया था कि ऐसी स्थिति में, यानी यहाँ पर कोई होल पार्ट में संख्या हो, बीच का चिन्ह माइनस हो और साथ साथ ये अंश जो है हर से छोटा हो, तो ऐसी स्थिति में हम आप लोगों को बताए थे कि इसको एक कम कर दीजिए, तो 44 है, एक कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 43, तो यहाँ 43 हो गया। अब बताए थे ना कि हर में से अंश को घटा दीजिए, बताए थे, तो हर एक है, अंश कितना है, 7 है, तो 7 में से एक घट जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो 43.6 बटा में सेम डिनोमिनेटर लिखेंगे, दैट मीन्स आंसर फॉर यू, कोई डाउट।